वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं अभी यूनाइटेड ऑटोमोबाइल्स फरीदाबाद शोरूम में। अपने पीछे जो गाड़ी खड़ी है ये रहने वाली है महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन। स्कॉर्पियो एन के वेरिएंट्स के अंदर महिंद्रा ने कुछ बदलाव किए हैं। ये रहने वाली है इसका Z8 सिलेक्ट वाला वेरिएंट जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है, और आज के इस वीडियो के अंदर हम इस कार की डिटेल में बात करने वाले हैं और आपको बताएंगे जो Z8 सिलेक्ट वेरिएंट है ये आपको कौन कौन से फीचर्स ऑफर करता है, क्या इसके स्पेसिफिकेशंस रहने वाले हैं, प्राइस रेंज से लेकर कलर ऑप्शन तक, इंजन आउटपुट से लेकर के माइलेज तक, A to Z साइडलेस कार के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कार के फीचर्स की। तो यहाँ पे आप देखोगे सामने से लुक बिल्कुल आपको सेम जो है जिस तरीके से आपको टॉप मॉडल की कंपनी ऑफर करती है वैसा ही मिलने वाला है। कुछ फीचर्स जो है इसमें नहीं मिलेंगे उसकी भी बात हम लोग साथ साथ करते रहेंगे। फीचर्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे जो प्रोजेक्टर वाली हेडलैम्प्स हैं वो ऑफर करी गई हैं। यहाँ पे प्रोजेक्टर है, यहाँ पे रिफ्लेक्टर है, नीचे तरफ इंडिकेटर, और अपना DRL सेटअप जो है वो आपको नीचे की तरफ देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ फॉगलाइट वगैरह जो है वो आपको मिल जाती है इस मॉडल के अंदर। लेकिन हाँ, फ्रंट पार्किंग सेंसर जो है जो कि इसके अपर मॉडल के अंदर कंपनी ऑफर करती है Z8 के अंदर, वो आपको इस वाले मॉडल के अंदर नहीं दिए जाते। इसके अलावा क्रोम ग्रिल जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। सेंटर में महिंद्रा का लोगो है। नीचे आते हैं तो यहाँ पे अपनी सिल्वर कलर की जो स्किड प्लेट है वो आपको देखने को मिल जाती है। बात करते हैं आप साइड पोर्शन की दोस्तों, तो यहाँ पे आप कंप्लीट कार का जो साइड व्यू है वो एक फ्रेम में चेक कर सकते हैं किस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है और यहाँ पे क्या कुछ फीचर्स रहने वाले हैं। सबसे पहले आप देखोगे तो आपको इस वेरिएंट के अंदर एलॉय व्हील जो है वो ऑफर किए जाते हैं। टायर सेक्शन अपना रहने वाला है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो 245 इसलिए 65 R17 का फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक जो है वो मिल जाएंगी। रियर में चलते हैं तो यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो, डिस्क ब्रेक का सेटअप आपको देखने को मिल जाएगा। बॉडी के चारों तरफ आपको व्हील आर्च और बॉडी साइड क्लैडिंग जो है वो मिल जाती है, और साइड क्लैडिंग के नीचे वाला पार्ट जो है उसके ऊपर आपको सिल्वर फिनिश जो है वो ऑफर करी गई है। ऊपर की तरफ आते हैं तो अपने जो आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स हैं ये आपको मिल जाएंगे बॉडी कलर के विद साइड टर्न इंडिकेटर्स के साथ, और इन मिरर को जो है वो आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं, और अंदर से आपको कंट्रोल जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं ओनली, बट फोल्ड अनफोल्ड जो है वो आप नहीं कर पाएंगे। फोल्ड अनफोल्ड आपको मैन्युअली हाथ से ही इसको करना होगा। इसके अलावा कार का जो अपना ए पिलर है ये अगेन बॉडी लगा है। बी पिलर जो है वो आपको ब्लैक आउट मिल जाएगा। सी पिलर आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, एंड लोअर गार्निश वाला पार्ट आपको क्रोम इंसर्ट के साथ जो है कंप्लीट देखने को मिल जाएगा। ऊपर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको सिल्वर कलर की रूफ रेल जो है वो ऑफर करी गई है। नीचे आते हैं डोर हैंडल्स आपको बॉडी लगे जो है वो देखने को मिल जाते हैं। अब मूव करते हैं कार के रियर पोर्शन पे और आपको बताते हैं कि रियर से क्या कुछ चीज़ें जो है वो आपको इस कार के अंदर मिल जाती हैं। तो कार का कंप्लीट रियर व्यू जो है वो आप यहाँ पर एक फ्रेम में चेक कर सकते हैं किस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे क्या कुछ फीचर्स रहने वाले हैं, सबसे पहले आप यहाँ पर देखोगे शार्क फिन टाइप रेडियो एंटीना जो है वो आपको दिया गया है। रियर में आपको जो स्पॉइलर है वो देखने को मिल जाता है। इसके अलावा रियर विंडो स्क्रीन के ऊपर आपको रियर डिफॉगर वाइपर की जो प्लेसमेंट है वो रहने वाली है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो रियर अपने जो डोर हैंडल्स हैं वो भी आपको बॉडी लगे ही दिए गए हैं। टेल लाइट वगैरह जो है वो आप यहाँ पर चेक करिए किस तरीके की आपको मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको महिंद्रा का लोगो, स्कॉर्पियन की प्रॉपर बैजिंग, और लोअर पार्ट पे आते हैं तो यहाँ पे आपको क्रोम इंसर्ट जो है इसके बम्पर के ऊपर देखने को मिल जाता है। अगेन रियर में आपको सिल्वर लगी जो स्किड प्लेट है वो भी ऑफर करी गई है। रियर में आपको जो पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, एंड कैमरे की जो प्लेसमेंट है वो आपको लोगो के ठीक नीचे जो है वो देखने को मिल जाएगी, एंड स्टेपी टायर की जो प्लेसमेंट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। मूव करते हैं अब कार के इंटीरियर के अंदर, आपको बताते हैं कि इंटीरियर से क्या कुछ चीज़ें जो है वो आपको इस वेरिएंट के अंदर मिल जाती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप डोर की जो कंप्लीट ओपनिंग वगैरह है वो चेक कर सकते हो। इस कार का कंप्लीट इंटीरियर जो है वो आपको डुअल टोन फिनिश के साथ जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको ब्राउन और ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है वो ऑफर किया जाता है। अब यहाँ पे क्या कुछ फीचर्स मिलते हैं, सबसे पहले हम डोर पैनल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो डोर पैनल के ऊपर आपको ये वाले पार्ट के ऊपर जो है वो कुशनिंग जो है प्रोवाइड करी जाती है। इसके अलावा कंप्लीट ये पोर्शन आपको पियानो ब्लैक फिनिश के साथ दिया गया है। चारों पावर विंडोज आपको मिल जाएंगी और यहाँ से आप इस मिरर को जो है एडजस्ट कर सकते हैं। इनसाइड डोर हैंडल सिल्वर फिनिश के साथ दिया गया है, यहाँ पे भी सिल्वर फिनिश आती है। बाकी ट्विटर वगैरह की जो प्लेसमेंट है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। स्पीकर की प्लेसमेंट यहाँ पर रहने वाली है, और यहाँ पे आप देखोगे बॉटल होल्डर और अपने जो है डोर पैनल्स के ऊपर आपको जगह जो है वो मिल जाती है। अंदर की तरफ देखेंगे तो साइड एसी वेंट्स आपको सिल्वर फिनिश के साथ दिए गए हैं। यहाँ पे हेडलाइट लेवलिंग का स्विच है, नीचे से यहाँ से आप बोनट को ओपन कर सकते हैं। तीनों पेडल कोने में आपको एक ग्रेट पेडल भी मिल जाएगा। बाकी दोस्तों सीट अपहोल्स्ट्री आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री जो है वो ऑफर करी जाती है। कुछ तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं, और इसके अंदर क्या रहने वाला है, दोनों ही हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल मिल जाएंगे। सीट्स को जो है वो आप यहाँ से रिक्लाइन एंगल में सेट कर सकते हैं, यहाँ से इसकी हाइट को अप एंड डाउन जो है वो कर सकते हैं। बाकी की वगैरह की अगर हम बात करें तो आपको दो जो है वो आपको फ्लिप कीज़ मिल जाएंगी। एक अपनी नॉर्मल की जो है वो रहने वाली है, इस पर बटन नहीं मिलेगा, जबकि जो दूसरी वाली की रहेगी ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, ये भी फ्लिप की है, बट इसके ऊपर आपको रिमोट के कंट्रोल बटन्स मिल जाएंगे, लॉक अनलॉक और अपना बीप वगैरह के बटन जो है वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों अदर फीचर्स की, तो स्टीयरिंग व्हील जो है वो आपको डीकट शेप के साथ दिया गया है। स्टीयरिंग व्हील के ऊपर रेदर फिनिश मिल जाएगी। यहाँ पे आपको क्रूज और MID कंट्रोल, यहाँ पे आपको ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। इस स्टीयरिंग व्हील को आपने कन्वीनियंट के हिसाब से कुछ इस तरीके से टिल्ट एडजस्ट जो है वो कर सकते हैं। टेलीस्कोपिक का जो फीचर है वो आपको नहीं मिलेगा। अपना मैनुअल हेडलाइट और यहाँ पे मैनुअल वाइपर कंट्रोल जो है वो भी प्रोवाइड किए जाते हैं। दोस्तों बात करें इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो यहाँ पे आप जो है कंप्लीट जो व्यू है वो चेक कर सकते हो किस तरीके का जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, और इसके अंदर आपको कुछ तरीके से काफी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी लाइक टायर डायरेक्शन वगैरह
जो है वो आप चेक कर सकते हो। इस तरफ आपको एनालॉग में स्पीडोमीटर और एनालॉग में ही आपको टैकोमीटर जो है वो मिल जाएगा, क्लॉक है, टेम्परेचर है, कितने किलोमीटर का रन हो चुकी है और बाकी इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ट्रिप ए वगैरह की इन्फॉर्मेशन आ रही है, फ्यूल कितना है, डोर कौन सा ओपन है, बाकी अदर इन्फॉर्मेशन एक्सेस करनी है यहाँ से आप कर सकते हैं। ये बटन प्रेस किया तो ड्राइव इन्फॉर्मेशन, फ्यूल इन्फॉर्मेशन, डिजिटल स्पीड, व्हीकल इन्फॉर्मेशन, नेविगेशन, सेटिंग वगैरह के ऑप्शन जो है वो आपको सारे कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जिस तरीके से आपको मिलता है टॉप एंड वेरिएंट से, जिस तरीके के आपको फीचर्स यहाँ पर भी मिल जाते हैं। बाकी दोस्तों सेंटर में आते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक टच स्क्रीन डिस्प्ले जो कि रहने वाला है एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी के साथ में, कुछ इस तरीके का सिस्टम रहेगा। नेविगेशन वगैरह जो है वो आप इसके साथ यूज़ कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से ही अपना वर्क करेगा। रियर व्यू कैमरा जो है वो भी इस वाले वेरिएंट के अंदर मिल जाता है। कैमरे का रिस्पॉन्स वगैरह कैसा कुछ आता है वो भी आपको मैं चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पे कैमरे का जो आउटपुट है वो चेक कर लीजिए किस तरीके का जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे वॉल्यूम और ट्यूनिंग वगैरह के बटन जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं और मैनुअल एसी विद हीटर के कंट्रोल बटन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। बाकी आपको यहाँ पे मोड का बटन मिल जाएगा, तीन ड्राइव मोड आते हैं इस कार के अंदर, यहाँ पे आप चेक करें तो जिप जैप और जूम मोड जो है वो आपको मिल जाता है। इसके अलावा हिल डिसेंट का बटन, ESP, वार्निंग हजार्ड लाइट, अलर्ट स्टॉप। नीचे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक USB पोर्ट है, चार्जिंग पोर्ट है, बाकी यहाँ पे फोर स्टोरेज के स्पेस जो है वो दिया गया है। 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन आता है इस वाली कार के अंदर, ट्विन कप होल्डर्स है, पार्किंग ब्रेक लीवर क्रोम टिप के साथ है और यहाँ पे आप देखोगे कामरेस भी आपको मिल जाता है जो कि कुशनिंग के साथ अपना रहने वाला है। ड्राइवर साइड सनवाइजर है, उसमें आपको एक टिकट होल्डर, इनसाइड रियर व्यू मिरर, डे नाइट एडजस्टमेंट फीचर के साथ है। सनग्लास होल्डर जो है वो आपको मिल जाएगा, दो LED बल्ब के साथ आता है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। और सनरूफ जो है वो आप यहाँ पे वन टच ओपन और वन टच क्लोज के साथ यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये वन टच ओपन हो गया है और ये अपना वन टच क्लोज का फीचर आपको जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों यहाँ माइक की प्लेसमेंट है। इसके अलावा आप देखोगे को ड्राइवर से सनवाइजर है, उसमें आपको जो है एक वैनिटी मिरर और यहाँ पे आपको जो एक बल्ब है वो भी प्रोवाइड किया जाता है, साथ ही क्लच होल्डर का ग्रैब हैंडल मिल जाएगा। नीचे ग्लोव बॉक्स चेक कर लेते हैं, ग्लोव बॉक्स में कुछ इतना स्पेस जो है वो प्रोवाइड किया गया है, कूल्ड नहीं है, नॉर्मल टाइप ग्लोव बॉक्स जो है वो कंपनी ऑफर कर। दोस्तों बात करें अगर हम सेकंड डोर की तो यहाँ पे आप सेकंड डोर के डोर की जो ओपनिंग है वो चेक कर सकते हो, कितनी कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। फीचर्स देखोगे तो यहाँ पे आपको रियर डोर चाइल्ड लॉक का फीचर दिया गया है, आर्मरेस्ट के ऊपर आपको जो सॉफ्ट टच है वो देखने को मिल जाएगा, एनो ब्लैक अपनी पावर विंडो की प्लेट है, इनसाइड डोर हैंडल यहाँ पे आप देखोगे फिनिश के साथ है, ये भी सिल्वर फिनिश है। यहाँ पे आपको एक स्पीकर की प्लेसमेंट जो है वो मिल जाती है, बॉटल होल्डर जो है वो दिया गया है। अंदर से देखेंगे तो यहाँ पे आपको लेदरेट सीट अपोजिटी है, दो एडजस्टेबल हेडरेस और आपको सेंटर वाला जो फिक्स हेडरेस है वो मिल जाता है और सेंटर में आर्मरेस्ट जो है वो भी प्रोवाइड किया गया है जो कि अभी अपोल्स्ट्री पिन्नी के अंदर जो है पैक है। बाकी दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे 60/40 के स्पीड डाउन फीचर के साथ जो अपनी ये सीट है वो आपको मिल जाती है, कैसे कुछ होगा वो आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको एक लीवर मिल जाएगा, इसको जैसे ही आप टैप करेंगे तो ये अपनी सीट डाउन हो जाएगी, ये 60:1 में डाउन हो जाती है। उधर वाली को हम डाउन करेंगे तो वो जो है वो अपना वन टच टंबल के फीचर के साथ आपको मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो सीट्स के पीछे आपको यहाँ पे रियर एसी वेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, साथ साथ कंट्रोल भी जो है वो आपको मिल जाएगा और सी पॉइंट जो है वो चार्जिंग सॉकेट के साथ आपको दिया गया है और दोनों सीट्स के पीछे आपको जो है यहाँ पे पॉकेट जो है वो प्रोवाइड करी जाती है। बाकी दोस्तों वन टच फोल्डिंग का जो फीचर है वो आपको सीट के अंदर यहाँ पर मिल जाता है और इसको जो है टंबल टाइप आप यूज़ कर सकती हैं, पीछे सामान रखा हुआ है तो इसलिए सीट को जो है वो फोल्ड किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे क्या कुछ मिलने वाला है तो यहाँ पे आपको एक चार्जिंग सॉकेट जो है वो मिल जाएगा, बाकी उस तरफ आप देखोगे तो वहाँ पे भी आपको स्टोरेज वगैरह के लिए स्पेस मिल जाता है। दोनों साइडों में आपको कैबिन लाइट जो है प्रोवाइड करी गई है, यहाँ पे ग्रैब हैंडल सेकंड रो में भी है, इस साइड में भी आपको कोटो के साथ मिल जाएगा, सेकंड रो में भी आपको जो है एक यहाँ पे मिल जाएगा कैबिन लाइट। इस तरीके का कंप्लीट जो व्यू है वो आपको देखने को मिल जाता है अगर आप साइड सीटें जो है वो डाउन कर देते हैं। तो ये हो गई बात कंप्लीट इंटीरियर। बात करते हैं अब इस कार के अंदर मिलने वाले इंजन स्पेसिफिकेशंस की, तो ये कार अपनी डीजल इंजन वाली रहने वाली है जिसके अंदर आपको 2.2 लीटर का डीजल इंजन ऑफर किया गया है। ये इंजन 128.6 किलोवाट की पावर और 370 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करके आपको दे देता है। कंपनी इस वेरिएंट के अंदर आपको टोटल 6 कलर की ऑप्शन ऑफर करती है जिसमें आप चाहो तो मिडनाइट ब्लैक, डीप फॉरेस्ट, डेजलिंग सिल्वर, एवरेस्ट व्हाइट, नेपोली ब्लैक या फिर रेड रेंज कलर को चूज कर सकते हैं। प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो ये अपना Z8 सिलेक्ट डीजल मैनुअल वाला वेरिएंट रहने वाला है जिसका एक्सशोरूम कॉस्ट है 17,99,000 रुपीज का। ऑन रोड कॉस्ट के लिए आप नीचे दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं आप यूनाइटेड ऑटोमोबाइल्स के फरीदाबाद शोरूम में। बाकी दोस्तों इस कार की अदर डिटेल्स लाइक सेफ्टी फीचर्स, माइलेज वगैरह को मैंने इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।